मधुपुर प्रखंड मुख्यालय के मधुपुर बाजार स्थित एक किराना दुकान सोमवार की देर रात अचानक लगी आग से सभी सामान जलकर खाक हो गया। इस अगलगी की घटना में 30 लाख की संपत्ति की क्षति होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दो फायर ब्रिगेड वाहन के पहुंचने पर आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। हालांकि बिजली शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात स्थानीय लोगों ने बताई है। जानकारी के अनुसार मधुपुर बाजार क्षेत्र के पुजारी पोखर के किनारे स्थित अशोक शाह उर्फ मोनी के किराना दुकान में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग फैलकर पूरे दुकान को अपने चपेट में लेकर धू धू कर जलने लगा। आग की लपटे उठती देख स्थानीय लोगों ने आनन फानन में आग लगने का शोर मचाते हुए चापाकल के पानी से आग बुझाने लगे। इस बीच लोगों ने सहर घाट व बेनीपट्टी अग्निशामक दल को फोन कर आग लगने की सूचना दी। घटना की सूचना पर सहर घाट एवं बेनीपट्टी से पहुंचे फायर ब्रिगेड वाहन के अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तब तक किराना दुकान जलकर राख में तब्दील हो चुका था। दुकानदार अशोक शाह ने बताया कि दुकान में रखा किराना सामग्री समेत 30 लाख से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। इस बाबत सीओ राम कुमार पासवान ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है, जांचोपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।